ले आए हैं एक क्रूजर बाइक जो कि धमाकेदार बाइक है। आप गैस करो वो क्रूजर में कौन सी बाइक होगी? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन पक्का? हार्ले डेविडसन दिखा दे पब्लिक को, दिखा दे। सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग में अपन ले आए हैं एक क्रूजर बाइक जो कि धमाकेदार बाइक है। आप गैस करो वो क्रूजर में कौन सी बाइक होगी? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन पक्का? हार्ले डेविडसन दिखा दे पब्लिक को, दिखा दे। ये चेक करो भैया, ओहो ये तो सुपर मेट्योर है भैया, रॉयल एनफील्ड की सुपर मेट्योर बाइक है। लेकिन हार्ले डेविडसन को टक्कर दे देगा। लेकिन ये चीज है भैया कि इसमें हार्ले डेविडसन को टक्कर दे सकता है, ऐसा नहीं है। प्राइसिंग के कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ भैया, लेकिन परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में बता सकता हूँ कि हाँ हार्ले डेविडसन को कंपेयर दे सकती है ये। एंड अभी इसका अपन चला के भी देखेंगे कि कैसा फील देगी एंड इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे अपन आपको। पहले तो आप इसका मतलब लुक्स और इंजन चेक करो भैया। इसमें आपको इंजन मिल जाता है कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर में जो इंजन है वही इंजन आपको इस 650 में मिल जाता है। और इसके बाद पिकअप तो भैया बोलो नहीं, वो मेरे साथ ही पीछे बैठा था, पूछो उसको इधर कैसा लगा पीछे बैठ के तुम, मतलब पीछे बैठा था हम कैसा पकड़ा था, कैसा लगा था? ऐसा लगा था गिरने वाला था तुम? गिरने वाला था ये बोलता बार बार मेरे को पीछे। पीछे का सीट अच्छा है, थोड़ा सा स्लोपी है इसका, पीछे स्लोपी है, बट इसमें अगर अपन बैकरेस्ट डाल दे तो बेटर रहेगा। बैकरेस्ट डालने पर क्या है कि पीछे सपोर्ट होगा ना, हाँ अगर पिलियंग राइडर बैठता है तो यहाँ एक सपोर्ट रहेगा अगर बैकरेस्ट डाल देते हैं तो। वरना इसके जैसे आदमी है ना भैया, ऐसे बैठा है और बोल रहा है ऐसे पकड़ के बैठा है, पहुंच रहे पकड़ के बैठा, बोल रहा भाई थोड़ा धीरे चला, पीछे गिर रहे। लेकिन सर ग्राउंड क्लियरेंस मैं पूछा था आपका ना, बार बार स्पीड ब्रेकर ठोको। और एक चीज है भैया इसका ग्राउंड क्लियरेंस, मैं बस थोड़ी दूर चला के आया, ऐसे तो अभी तक भगाया नहीं इसको क्योंकि भगा नहीं सकते, नई बाइक है एंड हमारे एक छोटे भाई ने खरीदी है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है क्योंकि अपन अगर दो लोग बैठे हैं एंड दोनों वजन वाले लोग, ये देखो और एक वजनदार आदमी बैठ गया, तो आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो हमारे शिलोंग के हिसाब से भैया बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस है क्योंकि यहाँ का जो स्पीड ब्रेकर है थोड़ा ऊंचे में रहता है स्पीड ब्रेकर, इसी के चक्कर में है ना इसका। ये एक छोटी सी डिसएडवांटेज है, बाकी चला के बताते हैं कैसा रहेगा। एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक भी आता है? हाँ हाँ ये सब एडजस्टेबल है। नहीं लुक्स वाइज तो नो डाउट एक नंबर है भैया, इट लुक्स गुड ब्रो, इट लुक्स गुड। हार्ले डेविडसन को लुक्स में नहीं, आपका बदन भी हार्ले डेविडसन जैसा है ना? भी नहीं। नहीं लेकिन सर मैं हार्ले डेविडसन का लुक देता हूँ। नहीं नहीं लुक्स वाइज नो डाउट एक नंबर है भैया, प्रॉपर क्रूजर जो होता है ये मतलब एक नंबर। अब इसको चला के देखते हैं भैया, पीछे बैठेगा अभी फिर? हाँ ठीक है चलो। एंड ये जो बाइक है दिस बाइक बिलोंग्स टू अपने विशाल, विशाल अपना भाई जैसा है, भाई जैसा कि भाई है यार, तो उस ये बाइक उसने खरीदा बट चॉइस अच्छा है बंदा का, उसको स्पोर्ट्स में दिलचस्प नहीं है, उसको क्रूज में मजा आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। चलो जी अब इसको थोड़ा चला के देखते हैं एंड यू गाइस एंजॉय द सिनेमैटिक। गलती हो गई हमारे से कि हमने कल रात को GoPro की बैटरी चार्ज नहीं करी तो थोड़ा दिक्कत आ गया, GoPro पूरा बंद पड़ा है और अभी अपने को थोड़ा मोबाइल से शूट करना पड़ता है, ये मेरी बहुत बड़ी केयरलेसनेस है, इसको अगली बार से अपन सुधारेंगे। एंड आते अपने टॉपिक पे, तो अभी हम चला रहे हैं सुपर मीटियोर 650, लेकिन मेरे को फील दे रहा है हार्ले डेविडसन वाला, सब बता रहा हूँ मजा आ रहा है चला के। एंड आगे हमारे भैया को देख रहे हो, वो है और भाई अपना
उसको 360 डाल रखा है। तो भैया आते हैं इसके कंफर्ट पेपर पे, भैया कंफर्ट पूछे मस्त है, बेझिझक अगर क्रूज राइडर हो तो बेझिझक अपन आप इसमें जंप कर सकते हो। चलिए भैया अपन कहाँ जाने। अच्छा हाँ, तो मैं कहना था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप क्रूज राइडर हो, पॉच राइडर अलग होते हैं, क्रूज राइडर अलग होते हैं, एडवेंचर राइडर अलग होते हैं, तो अगर आप क्रूज राइडर हो देन यू कैन टेक दिस सुपरमेटी रॉयल एनफील्ड की। एंड ये चलाने के बाद कसम से बता रहे भैया आपका पुराना याद जो है ना ताज़ा हो गया, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर रॉयल एनफील्ड चलाया करता था एंड मैं 5 साल उस बाइक को चलाया। चलाने के बाद है ना भैया उसको मैं अपनी अपग्रेड करने के चक्कर में, मैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करने लग गया तो अपग्रेड करने के चक्कर में मैंने उसको बेचना पड़ा, अदरवाइज मैं नहीं बेचता। आई लाइक रॉयल एनफील्ड बाइक, लेकिन माइग्रेशन के कारण मेरे को बेचना पड़ा। तो एज ए रॉयल एनफील्ड ओनर भैया ये चला के मेरे को बहुत अच्छा फील मिला, मतलब कैसे बताऊं आपको, लफ्जों में बयां नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ओ तेरी का, ये बहुत भयानक है यार। इसको चला जाने के, एक तो रोड छोड़ा, क्या बोलेगा आप, ओवरटेक भी नहीं ले पाएंगे भैया। ट्रक का साइज का तो रोड है भैया, देख रहे हैं, भाई साहब मैं ना ये बाइक को टेस्ट करने के लिए सिटी से थोड़ा बाहर आ गया एंड बाइक को चला के बहुत तगड़ा फील मिला, मतलब एक मजा आता है बाइक को चला के। वो जो हार्ली डेविडसन वाली फील है ना वो पूरा इस बाइक में मिल जाएगी आपको, ये सुपर मेटियर 650 जो मैं अभी चला रहा हूँ। एंड एज एक्स राइडर ऑफ रॉयल एनफील्ड आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा भैया, ऐसा तो खराब रिव्यू दूंगा नहीं, लेकिन तो बहुत तगड़ा पिता है भैया, कसम से बता रहा हूँ। अभी तो 3-4 तक आगे बस थोड़ी दूर राइड करे तुम, कांटा बीम को भी लग गया, समझ रहे हो, इंडिकेट करने लग गया कि तेल कम, मतलब तेल डालना पड़ेगा। बाकी भैया बिल्ड क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी जो पहले वाइब्रेशन फ्री रॉयल एनफील्ड में वो इसमें नहीं है, मतलब मैं अपनी बाइक को बेचा वाइब्रेशन के कारण ही बेचा था, अपनी मेरे पास जो 3 फुट की एक्स थी तो उसको मैंने वाइब्रेशन के कारण ही बेचा था, बट इसमें कोई वाइब्रेशन नाम की चीज ही नहीं है। हम बाइक को तो थोड़ा ज्यादा भगा भी नहीं सकते क्योंकि अभी बस नहीं है, कुछ 400 किलोमीटर चली हुई है, तो बाइक भगाएंगे नहीं, फिर कभी देखते हैं बाइक भगा के देखेंगे। लेकिन पावर बोले तो एक नंबर पावर है भैया, पीछे बैठने वाला है ना, मतलब अगर आप थोड़ा सा भगा के एक गियर शिफ्ट करके रोक करो तो पीछे वाला बंदा गिर जाएगा, ये शेयर है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा बैक रेस्ट डालना पड़ेगा, अगर आप बाइक भगाते हैं पीछे राइडर को बिठा कर राइड करते हो तो बैक रेस्ट डालना पड़ेगा, या फिर उस बंदे को है ना पकड़ के बैठना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि पावर बहुत अच्छा है इसमें, बहुत तगड़ा पावर है मतलब। और फील तो भैया क्या ही बोले मस्त, अगर आप क्रूज राइडर हो तो बाइक में बैठो, पैसे इन्वेस्ट करो एंड बस निकल जाओ राइड पे। अपन तो क्या बोले एडवेंचर राइडर है तो मेरे लिए सूट नहीं करेगा ये, क्योंकि मैंने 5 साल रॉयल एनफील्ड चलाया भैया। ओबरो काफी आगे निकल गया, बस एक छोटी सी मुझे अनकंफर्टेबल लगी एक चीज, जो पैर बहुत आगे रखना पड़ता है गियर एंड ब्रेकिंग के मामले में, जब आप ब्रेक मारो तो आप पैर इस तरफ रखना पड़ रहा है एंड गियरिंग के लिए भी पैर बहुत ऊपर रखना पड़ रहा है। एंड सच बताऊं तो भैया हाइट तुम्हारे भाई का इतना लंबा हाइट तो है नहीं, तो लंबे लोगों के लिए ये काफी अच्छा चॉइस है। सबसे पहले तो भैया अपने को पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलर चेक कर लो, इंडिकेट करना चालू हो गया तो पेट्रोल पंप ढूंढते।
मैं बस अभी चला रहा हूँ 30-40 के स्पीड में, मैंने भगाया भी नहीं ज्यादा, मतलब एक मैक्स गया तो शायद मेरे ख्याल से 50-55-60 उसके आसपास गया होगा, इससे ज्यादा नहीं भगा सकते। लेकिन कसम से बता रहा हूँ, फील एक नंबर फील अभी है। तो चलो जी, इसी से अभी सबसे पहले तो जाते हैं, एक अच्छी सी व्यू देख के वहां रुकते हैं, रुकने के बाद बाकी का रिव्यू आपको यहीं देते हैं। So, दोस्तों सबसे पहले आप बताओ कि पीछे वाली व्यू आपको कैसी लगी। ये व्यू देखो, अपन एक अच्छी सी व्यू देख के अपन रुक गए। ये रही सुपर मेटियोर जो मैं अभी थोड़ी देर पहले चला रहा था। एंड अपन सिटी से थोड़ी बाहर, थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए, थोड़ा ऑफ रोड करके देखे। ऑफ रोड मतलब इतना गंदा ऑफ रोड भी नहीं, एक लिमिट के हिसाब से। एंड बाइक थोड़ा भी नहीं फेंकता भैया, एकदम स्टेबल रहता है ऑफ रोड में भी। तो उसी के साथ साथ चलिए आपको आपका ये जो रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर है इसका आपको कुछ एक टिप्स बताते हैं। दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है ट्विन सिलेंडर वाली 648 सीसी की इंजन, जो कि ये एक इसमें भी है, सुपर मेटियोर में भी है, और ये कॉन्टिनेंटल एंड इंटरसेप्टर में भी आता है, सेम ही इंजन आता है उसमें भी। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आए तो भैया बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रूव कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने। सबसे पहले भैया आप इसका है ना स्विच देखो, स्विच मतलब काफी इंप्रूवमेंट है स्विच में। एंड इसमें आपको एडजस्टेबल क्लच मिलता है। दूसरी नंबर चीज ये वाली, ये मैंने कभी भी पुरानी रॉयल एनफील्ड में नहीं देखी, इसमें ये मेरे को नया देखने को मिला। अभी जितने भी रॉयल एनफील्ड आ रहे हैं नए नए, सभी में ये है। एंड दूसरी नंबर चीज आप इसका स्पीडोमीटर देखो, ये भी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। एंड इसमें आपको GPS नेविगेशन भी मिलता है, मतलब फोन के साथ आप कनेक्ट कर लो एंड मस्त आपको गूगल नेविगेट कर देगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो उसके लिए आपको है ना फोन होल्डर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसी में। एंड दूसरी नंबर चीज भैया आपको इसका जो एग्जॉस्ट है, साउंड काफी मतलब थोड़ा सा कम हो गया साउंड, 650 के हिसाब से उस लेवल तक साउंड होना चाहिए, बट साउंड थोड़ा सा कम है, लेकिन साउंड मक्खन वाली साउंड है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अभी आपको पता ही है कि एग्जॉस्ट को लेकर कितना सारा चलान करता है, तो इसलिए इन्होंने क्या है कि थोड़ा साउंड दबा दिया है। तो अगर इसमें एग्जॉस्ट डाल दें तो भैया एक नंबर बाइक हो जानी है। उसके बाद अगर बाइक थोड़ा दूर से भी आए ना, मतलब थोड़ा रेव करके, तो पता चल जाएगा नहीं भैया 650 आ रहे हैं। एंड दूसरी चीज, जब मैं रॉयल एनफील्ड चलाता था, जब मेरे पास 350X हुआ करता था, तब उसमें हद से ज्यादा वाइब्रेशन था। मेरे को लगा था कि ये 650 के हिसाब से इसमें भी बहुत तगड़ा वाइब्रेशन होगा, बट इसमें उस लेवल तक का वाइब्रेशन नहीं है, बहुत बहुत क्या मतलब ना के बराबर है वाइब्रेशन। एंड अपन ने इसको थोड़ा सा टूटे फूटे रोड में भी चलाएं, मतलब चला के देखे कि इसका स्टेबिलिटी कैसा है, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास है स्टेबिलिटी, मतलब एक नंबर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, असल में बता रहा हूँ। अगर जो रॉयल एनफील्ड सच में दिल से जो रॉयल एनफील्ड को पसंद करते हैं उनके लिए ये बेस्ट बाइक है। एंड जो क्रूज राइडर है वो तो भैया आंख बंद करके ले सकते हैं। ये जो बाइक आपने देखी, ये वाली सुपर मेटियोर आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी 4 लाख के आसपास में। एंड वो आपके सिटी के हिसाब से प्राइस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो अगर जो भी बंदे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो क्रूज राइडर हैं, जेन्यून रॉयल एनफील्ड के क्रूज राइडर हैं, अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 लाख या कुछ एक इंश्योरेंस वगैरह लेके, वो थोड़ा ऊपर चल ही जाएगा। तो जो भी इन्वेस्ट करेंगे भैया इट्स वर्थ इट, इन्वेस्ट कर सकते हो बिना बेझिझक के, ठीक है। अगर शायद मेरे पास पैसा होता अगर इतना, तो क्या मैं ये लेता? शायद नहीं, क्योंकि मैं क्रूज राइडर नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स राइडर हूँ एंड एडवेंचर राइडर हूँ, तो मेरे को वो पसंद आएगा। अगर मेरे हिसाब से रहेगा तो मैं अपन थोड़ी एडवेंचर राइड में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि 390 एडवेंचर हो गया, या फिर स्पोर्ट्स सेक्टर में जाएंगे तो अपने एक ही भाई के भैया उसको छोड़ दो, रिवील नहीं करते अभी, थोड़ा समझ रहे हो। चलो जी, अपना वीडियो आज का हम यहीं एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपको एक धमाकेदार साउंड सुना देते हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रल में डालो तो ऊपर गियर इंडिकेटर का है, आगे जो साउंड है, तो साउंड तो भैया एक नंबर है साउंड, मतलब हल्ले साउंड का फील जो है ना पूरा हार्डली वाला फील ले सकता है ये। वाइब्रेशन नहीं है बाइक मैंने इतनी देर चलाया ना, वाइब्रेशन नहीं है। रॉयल एनफील्ड सुनने से वाइब्रेशन याद आता है। हाँ, आपका थंडरबर्ड का तो, हाँ थंडरबर्ड तो भैया थंडरबर्ड ने मेरे को वाइब्रेशन ही हिला दिया था, मतलब हाँ नहीं हिल रहा है थोड़ा। आप देखो वाइब्रेशन आपको कैसा पता चलेगा, आप उधर रेव करो, देखो मिरर
मिरर मतलब वाइब्रेट ही नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो, इतना स्टेबल है ये। तो बहुत हद तक रॉयल एनफील्ड ने इम्प्रूव कर दिया। तो चलो जी, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ। एंड साथ ही हमारे साथ बच्चे लोग भी है। हेलो।